परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने सुंदर सप्ताह दिया है और परमेश्वर ने हमें अपने महान चरणों में लेके आया है। क्या सुंदर दिन है। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय परमेश्वर तू हमें अपने चरणों में लेके आया है। तेरे चरणों में रहना परमेश्वर, तेरी आराधना करना, तेरी स्तुति और प्रशंसा करना परमेश्वर, क्या ही सुंदर अवसर है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके हर एक कामों के लिए। आपने जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में किया है, अद्भुत कार्यों को परमेश्वर तूने हमारे जीवन में किया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। इस पल तक परमेश्वर आपने हमें चलाया है, संभाला है राजा। अपनी कलीसिया में लेके आया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस आराधना से परमेश्वर तू महान कार्य करने वाला है, हमारी कलीसियाओं में विदारी को लेके आने वाला है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं ओ परमेश्वर। जितने भी हम गीत गाने वाले हैं, जितनी भी देर हम तेरी स्तुति करने वाले हैं, तू हमारे साथ रहे, तू हमें संभाल। तू परमेश्वर हमें परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए ताकत दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम सबको राजा तेरी आराधना करने में और रुचि आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों के लिए परमेश्वर, हर एक उन उत्तम आशीषों के लिए राजा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने परमेश्वर हमारे कहने से पहले हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी अनेक इच्छाओं को पूरी की है राजा। हमारी अनेक जरूरतों को परमेश्वर आपने पूरा किया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तेरा साथ और तेरा हाथ परमेश्वर सदैव हमारे संग रहा, हमारे आंसुओं को पोछा परमेश्वर, हमें भला चंगा करके रखा है राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए कलीसिया कुछ देर अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारा सामर्थी परमेश्वर है, तुम्हारे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है राजा। तुझ जैसा परमेश्वर संसार में और संसार के बाहर भी कोई भी नहीं है राजा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें ये सुंदर सौभाग्य दिया है कि हम तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति कर सके राजा। हर एक परमेश्वर रुकावटों को हटा के हमारे ध्यान को तेरी ओर खींच के हम लेके आते हैं राजा। हर एक गीत से तेरी आराधना होने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि परमेश्वर ने ये इतवार का दिन दिया है और आप सबको फिर से इस हिंदी आराधना में देख के अत्यंत खुशी हो रही है। आप सब लोग हमारे साथ मिलके इस हिंदी आराधना में भागी हैं और हम सब आपके लिए प्रार्थना में याद करते हैं। अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस फ़ोन नंबर को कॉन्टैक्ट करके हमें प्रार्थना का निवेदन बताइए, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सबसे बहुत जल्द मिलके आप सब के साथ एक कलीसिया में एकत्रित होकर एक साथ मिलके हम आराधना करेंगे। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो जिंदा खुदावन है, वो महान और सामर्थ्य है, वो बलवंत है। आइए आज सुबह के समय में पहले गीत को गाएंगे, आराधना करते हैं यीशु की, आराधना करते हैं राजाओं के राजा की।
आदि और अंत भी तू, सेनाओं का यहोवा है तू, यहोवा निसी प्रभु। ओमेगा भी तू, आदि और अंत भी तू, सेनाओं का यहोवा है तू, यहोवा निसी प्रभु। पापों से हमको बचाने बेटा है तू, पापों से हमको बचाने आया खुदा का बेटा है तू, खुदा का बेटा है तू, खुदा का बेटा है तू। आराधना करते हैं यीशु की, जो पैदा हुआ अंधेरा मिटा कर उजाला किया, यीशु जो पैदा हुआ। मृत्यु की ताकत खत्म हो गई, दो गज नहीं घर मेरा, मृत्यु की ताकत खत्म हो गई, दो गज नहीं घर मेरा। गुनाहों की हम पर हुकूमत नहीं, यीशु ने जीवन दिया। गुनाहों की हम पर हुकूमत नहीं, यीशु ने जीवन दिया, यीशु ने जीवन दिया, यीशु ने जीवन दिया। राजा की आराधना।
आदि और अंत भी तू, अल्फा भी तू, ओमेगा भी तू, आदि और अंत भी तू, सेनाओं का यहोवा है तू, यहोवा निसी प्रभु, सेनाओं का यहोवा है तू, यहोवा निसी प्रभु। पापों से हमको बचाने आया खुदा का बेटा है तू, पापों से हमको बचाने आया खुदा का बेटा है तू, 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 खुदा का बेटा है तू। हालेलुया, वो परमेश्वर ने हमें हमारे सारे गुनाहों से हमें रिहा किया है, वो परमेश्वर ने हमें हमारे सारे पापों को क्षमा किया है, वो हमारा सेनाओं का यहोवा है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है। वो परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर जीवन दिया है, वो परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया है कि हम उसकी आराधना करें। आइए एक और गीत को गाएंगे, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। तेरी आराधना करते हैं, तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा जीवन दाता है परमेश्वर, तू हमारा माता और पिता है परमेश्वर, तू हमारा शांति दाता है राजा। ओ हम तेरी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। साहिब परमेश्वर, आज पूरे दिन हम तेरी तारीफ करें, तेरे गुणगान गाएं,
तेरी महानता को हम बताएं परमेश्वर। ये दिन, ये महीने, ये साल परमेश्वर काम है। तूने परमेश्वर हमारे जीवन में अनगिनत कार्य किए हैं राजा। अनगिनत समय में परमेश्वर जब हम गिर चुके थे, जब हम टूट चुके थे परमेश्वर, तूने हमें सवारा है राजा। तेरा प्रेम कितना अनोखा है राजा। ओ परमेश्वर, तेरी दृष्टि हमारे ऊपर निरंतर है। हमारे सोते समय में, हमारे उठते बैठते समय में, हमारे चलते फिरते समय में परमेश्वर आपने हमें सवारा है, आपने हमें संभाला है राजा। आपने कितने अच्छे तरीके से हमारी देखभाल की है। आइए कलीसिया मिलकर कुछ देर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम सब मिलकर अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। महान जीवित परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। दूतों के संग संग मिलके तेरी आराधना करते हैं। स्तुति प्रशंसा करके तेरी आराधना करते हैं। तालियां बजाते हम तेरी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा, तू अपनी आग को हमारे बीच में भेज दे राजा, हमें परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए तैयार कर राजा। आज परमेश्वर सुबह के समय में आप अनेक परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाले हैं। सबके जीवन में परमेश्वर एक रिहाई को देने वाले हैं, एक संपूर्णता को देने वाले हैं परमेश्वर। हर एक परेशानियों को हटाने वाले हैं राजा। इन सब को छोड़ परमेश्वर, हमारी आंखें आपकी ओर लगी हैं। हमारी आपकी आंखों परमेश्वर, हमारी आंखें आपको निहार रही हैं राजा। ओ परमेश्वर, तू सदैव हमारे साथ रहता है, हमसे अत्यंत प्रेम रखता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। करने के लिए तेरी हर एक बातों को परमेश्वर मानने के लिए सहायता कर राजा। और आज सुबह के समय में हम तेरे भवन में आए हैं राजा, तुझे आदर और सम्मान देने के लिए परमेश्वर। तू इसे स्वीकार कर परमेश्वर। तेरे भवन में
भवन में उठा के कहें प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझ में परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए, तेरी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट कर। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए कि तूने हमें यह सुंदर अवसर दिया है राजा कि हम तेरी आराधना करें, हमारे दिल में परमेश्वर आप वास करने पाए, हमारे परमेश्वर विचार में तेरा वचन रहने के लिए सहायता कर, हमारे उठते बैठते समय में आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत कर, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महानाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की स्तुति और आदर और महिमा हो सदा। ये सुबह के अवसर पर इस हिंदी आराधना में जो शामिल हैं, वो जो यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सबको उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हार्दिक स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर पवित्र परमेश्वर जीवित वचन को, बहुमूल्य वचन को ध्यान करें। निधि वचन का पहला अध्याय का 33वां वचन पढ़ें तो वचन क्या कहता है? परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा, बेखटके सुख से रहेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। परंतु जो मेरी सुनेगा, कहने का मतलब जो परमेश्वर की व्यवस्था के जो वजन है उसको सुनेगा, वे निडार बसा रहेगा और बेकट के सुख से रहेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जो व्यक्ति इस संसार के अंदर सुख रहना है, जो निडार बसा रहना है, तो परमेश्वर को वजन को सुनना होगा, सुनेगा परमेश्वर की वजन। पहले का जो यह है सुनना, किसको सुनना है? बहुत से आज के जमाने के अंदर जो है बहुत से लोग बहुत सुनाते हैं और सेल आ चुके हैं, सेल के द्वारा जो है बहुत कुछ सुनाते जाते हैं, लेकिन वो सब हमें सुख नहीं रख सकता, जो निडार बसा नहीं रख सकता। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बहुमूल्य वजन जो सुनेगा वो बेकट के सुख रहेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहां पर परमेश्वर कहता है जो मेरी वजन सुनेगा वो निडार बसा रहेगा, बेकट के सुख रहेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो।
ये वचन में परमेश्वर सुनने के बारे में, निधि वचन 1:33 के अंदर ये बोला है कि जो सुनेगा, मैंने जो मेरे सुनेगा, मेरे का मतलब है यहां पर परमेश्वर कहता है अपना व्यवस्थ, अपना व्यवस्था जो है उसके अंदर परमेश्वर की वचन है, बहुमूल्य वचन है, इसको सुनेगा वो बेकट के सुख रहेगा। दूसरा हम देखते हैं वचन संहिता के अंदर 128 का एक हम पढ़ दे के, तो उसमें क्या कहता है, 128 का पहला, क्या ही धन्य है, क्या की धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है, जो जिसके मार्ग पर चलता है। हालेलुया, क्या ये धन्य है हर एक जो यहोवा पर भय मानता है, भय मानकर उनकी मार्ग पर चलता है। पहले हमने देखा है कि जो सुनेगा, क्या सुनेगा, परमेश्वर की वचन को सुनेगा वो बेकट के सुख रहेगा। यहां पर ये कहते हैं कि जो क्या है, धन्य है हर एक जो यहोवा पर भय मानता है और उसकी मार्ग पर चलता है, वो क्या पाएगा करके पांचवा वचन क्या कहता है उसको हम पढ़ेंगे इसी में। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे, सियोन से आशीष दे, और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। सुनने से बेकट की सुख रहेगा, यहां पर परमेश्वर के भय मानने से यहोवा तुझे सियोन से आशीष देगा और जीवन पर यरूशलेम की कुशल को देखते रहेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा। पहले हमने सुना था मेरी सुनेगा, परमेश्वर की वचन को सुनने वाला बेकट के सुख रहेगा और निडर बसा रहेगा। अभी यहां परमेश्वर बोलते हैं, यहां पर परमेश्वर को भय मानने वाला धन्य है और भय मानकर जो सुना है ना परमेश्वर की, जो मार्ग मतलब व्यवस्था उस पर चलता है, भय मानना और परमेश्वर की मार्ग पर चलना, परमेश्वर की वचन को जो सुना है उस पर चलेगा, तब परमेश्वर ऐसे आशीष देता है, यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तो जीवन पर अपने जिंदगी यहां पर जीने तक यरूशलेम के कुशल को देखते रहेगा, कुशल पाएंगे। हालेलुया, दुनिया तड़प रही है, मालूम है आपको, हर एक व्यक्ति एक कुशल के लिए तड़प रहा है, आशीष के लिए तड़प रहा है। पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े मंदिर में, बड़े बड़े वो पुण्य स्थान में जाकर के जो है आपने धन दौलत सब कुछ बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी आशीष नहीं मिल पाती और कुशल नहीं मिल पाता। ये कहीं दुकान में नहीं मिलता, कुशल और आशीष देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवनदार परमेश्वर, सर्वशक्तिमान वही है अपना यीशु मसीह। इसके अलावा कोई आपको जीवन भर कुशल दे नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकता ऐसा। आज कुशल रहेगा, दूसरे दिन जो है कुशल खत्म हो जाएगी, गुस्ताखी आ जाती है, लेकिन सर्वशक्तिमान कहता है धन्य है वो परमेश्वर से भय, यहोवा से भय मानता है और उसकी मार्ग पर परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की जो वजन है उस पर चलता है उसका, वो व्यक्ति यरूशलेम से आशीष पाएगा और यरूशलेम की कुशल पाएगा, वो कुशल जीवन भर रहेगी। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। आसमान और जमीन को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान की परमेश्वर वजन के अंदर कितनी ताकत है आप समझो। इसके जाने नहीं, आप लोग को देखने से बहुत से ज्ञान है, बहुत बातों पर ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी सुनेगा।
तू सुख पाएगा, मेरी भय मानेगा, जो सुना है उस वजन पर चलेगा, सीयोन से तुम आशीष पाएगा, जीवन पर यरूशलेम की कुशल पाएगा। कुछ भी करते रहे दुनिया, लेकिन ये दोनों चीज कभी नहीं मिलेगा, सुख कहीं नहीं मिलेगा। सुख देना है ये संसार को, सृष्टि के आसमान और जमीन को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसे ही दे सकता है। और इसके तीसरा, पहले एक हम देख ली है परमेश्वर की सुनने के लिए, दूसरा जो है परमेश्वर के भय मानने की और वो वजन पर चलने की। तीसरा हम देखते हैं वजन संहिता के अंदर 125 का एक हम पढ़ेंगे, तो वो क्या कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सीयोन पर्वत के समान है, वो सीयोन पर्वत के समान है जो टलता नहीं, टलता नहीं वरन सदा बना रहता है, वरन सदा बना रहता है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो सुना वो भय माना और भरोसा रखना। हालेलुया, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह सीयोन की पर्वत का समान है, ना टलेगा ना सदा बना रहेगा, कुछ भी आंधी तूफान जो भी आ जाए कुछ भी नहीं होगा, सीयोन पर्वत हिलेगा भी नहीं। अमूमन जो है आदमी लोगों के बीच में जो है ऐसा, मतलब ये हम तीन बात देखे हैं, एक सुनना परमेश्वर की, मेरी सुनेगा वो सुख पाएगा, और भय मानेगा वो आशीष और निरंतर कुशल पाएगा। तीसरा जो है भरोसा रखने वाला, परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखने वाला सीयोन की पर्वत के समान रहता है। तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, क्या है, बहुत से लोगों को कुछ आदमी को देखते हुए ये बोलेंगे, ये तो एकदम शांत है ना, इसकी आवाज सुनते हैं ना, ये क्या काम करता है क्या कहता है हम मालूम नहीं, लेकिन संतोष है समाधान है, ये कैसे, वो परमेश्वर के सुनने वाला, वो परमेश्वर से भय मानने वाला, वो परमेश्वर से भरोसा रखने वाला। इसलिए ऐसा व्यक्ति पता नहीं लगता, मालूम नहीं पड़ता, वो व्यक्ति संसार के अंदर जी रहा है कि नहीं मालूम नहीं पड़ता, एकदम छुपा हुआ रहते हैं। जैसे तीन मिसाल, तीन बात हम देखे हैं, इसकी तीन मिसाल मैं आपके सामने रखने जाऊंगा। पवित्र परमेश्वर हमें आशीष दें। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, बुजुर्गों, जवानों, आप सुन रहे हो, जीवनदार वजन आपके कानों पर आई है, आप ये वजन सुनकर चुपचाप अपना सेल को मुड़कर या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो या टीवी को मुड़कर चला जाना नहीं, बल्कि अपने हृदय को जांचो, कौन सी बात आपने सुनी, सुनने के बाद आप परमेश्वर से डर आपके दिल में आया, परमेश्वर से आपको भरोसा हुआ, तब ये आशीष पूरा आपको पाएंगे, सुख रहेंगे, कुशल पाएंगे, पर्वत के समान कोई भी तूफान आंधी, जैसे सेंस जीवन के अंदर कोई भी मुसीबत है, तकलीफ है जो आ जाए, तो पर्वत के समान, सीयोन पर्वत के समान आप ना टालता नहीं वरना सदा बना रहेगा। कोई भी मुसीबत तकलीफ जीवन में आने पर वो व्यक्ति जो है कभी अपना मन छोटा नहीं करता, हमेशा कुशल था, क्योंकि परमेश्वर कुशल निरंतर, माने परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा है, वो संसार के जीने तक वो कुशल पाएगा, कुशल से भरा हुआ व्यक्ति है। तो अगर सचमुच में प्रिय भाइयो आप परमेश्वर की वचन सुनते हो,
और परमेश्वर से भय मानकर परमेश्वर की सुना हुआ वचन पर चलते हो और परमेश्वर से भरोसा रखते हो, वो ऐसा व्यक्ति, तीन मिसाल आपको रखना चाहूँगा, उसी तरह ये संसार में रहता है। वचन पढ़ेंगे हम मत्ती सुसमाचार की 5:13 हम पढ़ेंगे, तो मत्ती सुसमाचार 5:13। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, नहीं पृथ्वी की नमक हो, बस इतना ही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहाँ पर जो सुनने वाला, ये मानने वाला, भरोसा रखने वाला, इस संसार में इस पृथ्वी की नमक है। हालेलुया। क्यों नमक? परमेश्वर ने जो उदाहरण दिया है, आप थोड़ा सा नमक के बारे में थोड़ा सा सोचिए। परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी की नमक हो। सब नमक नहीं बन सकते, चर्च में आए जाए जो सभी नमक बन जाए, नहीं। परमेश्वर को सुनेंगे, परमेश्वर को सुनकर परमेश्वर की वचन पर परमेश्वर से भय मानेंगे, परमेश्वर की मार्ग, परमेश्वर की वचन पर चलेंगे, परमेश्वर से भरोसा रख रहे हैं, वो ही परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी की नमक हो। नमक की कुवी क्या है? आप कुछ भी अपने घर में जो भी है चीज आप बना लीजिए, आप नमक मत डालिए तो उसके अंदर स्वाद नहीं आता, नहीं स्वाद देगा, चुपचाप पड़ा रहेगा। आप घर में भी जाकर देखो, नमक किसी कोने में रहेगा, पता ही नहीं लगता। परमेश्वर को सुनने वाले, परमेश्वर से भय मानने वाले, परमेश्वर से भरोसा रखने वाले दिखाई नहीं देते हैं, चुप रहेंगे, चुप रहकर दुनिया को आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी की नमक हो। और नमक कोई भी चीज है और नमक डालकर रख दीजिए, वो खराब नहीं होगा, खराब होने से बचाता है। नमक की कुवी देखिए आप, स्वाद देता है, कोई भी चीज खराब होने से बचता है, जैसे फ्रिज का काम करता है। अभी तो फ्रिज आया, वो आया है आजकल, पहले जमाने में आप देखे तो मच्छी लेके आया, लेकर के एकदम साफ कर दिया, साफ करने के बाद लास्ट में थोड़ा सा नमक डाल करके उसको हिला गुला करके जो है शुद्ध करके रख देंगे, वो कभी कुछ नहीं होगा, एकदम खराब नहीं होगा, वैसे रहेगा। परमेश्वर सोच समझ करके जो है तुम पृथ्वी की नमक हो। प्रिय भाई हो, प्रिय बहन हो, आप कहीं भी हो, इस को आप सुन रहे हो, ये वजन आपके कानों में आया है, सचमुच में आप पृथ्वी के नमक बनना चाहते हो, तो आप परमेश्वर की वचन को सुनना होगा, परमेश्वर से भय मानना होगा और परमेश्वर से भरोसा रखना होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और दूसरा उदाहरण इसी में मत्ती सुसमाचार 5:14 हम पढ़े तो उसमें क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। जगत की ज्योति, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति में रहने वाले, वो जब ज्योति आ जाती है तो पूरा चीज दिखाई देता है, अंधेरा हट जाता है। जहां पर ज्योति है वहां पर अंधेरा हट जाता है। आप ज्योति बनकर के संसार में जीना चाहते हो प्रिय भाई हो, आपकी प्रकाश, प्रकाश के अंदर बहुत से लोग आना चाहिए, तो आप परमेश्वर को वचन को सुनना होगा और परमेश्वर से भय मानना होगा, जो सुना हुआ वचन पर चलना होगा और परमेश्वर से भरोसा रखना होगा। बड़े आसान से बात सुनते हो, लेकिन इस पर गहराई की वजन है ये, इस पर नहीं चलेंगे तो आप पृथ्वी की ज्योति नहीं बन सकते, जगत की ज्योति नहीं बन सकते, पृथ्वी की नमक नहीं बन सकते। ज्योति कहीं भी रहती है, उस प्रकाश के अंदर हम सब कुछ काम कर सकते हैं।
और अंजारा पा जाती है तो वहां पर कोई काम नहीं हो पाता। आजकल जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सब काम होता है, लाइट से लेकर फैन से लेकर फ्रिज से लेकर सब कुछ, अगर नहीं है गया काम से। परमेश्वर ने बोला है ज्योति है, ये ज्योति अंधेरे में चमकती है, अंधेरे ने इसको ग्रहण नहीं कर पाया। योहन्ना की सुसमाचार का पहला अध्याय निकालेंगे तो उसमें क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। इसकी व्याख्यान क्या है मालूम है आपको, पवित्र पाप के बीच में चमकता है, पाप ने उसको ग्रहण नहीं कर पाया। हालेलुया, ये व्याख्यान है, ये परमेश्वर की जीवनदार वचन आपके बीच में आया है। परमेश्वर ज्योति है, वो बोलता है कि तुम मेरे सुनेगा, मेरी भय मानेगा, मेरे ऊपर भरोसा रखेगा, तुम ज्योति बन जाएगा, तुम जगत की ज्योति हो। प्रिय भाई हो, आप कहां हैं? आपकी किए हुए कुकर्म के वजह से आप किसी कीचड़ में पड़े हो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जवान बेटियां, जवान बेटे, आप सुन रहे हो, पृथ्वी की नमक बनना चाहते हो, जगत की ज्योति बनना चाहते हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बहुमूल्य वचन को आपको सुनना होगा और परमेश्वर से भय मानना होगा, सुना हुआ वचन पर चलना होगा और जीवित परमेश्वर से भरोसा रखना होगा, तब जाके आप पृथ्वी की नमक बन सकते हो, जगत की ज्योति बन सकते हो। वो ज्योति अंधेरे में चमक रही है, अंधेरे ने उसको ग्रहण नहीं कर पाया। ज्योति का सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र है, वो पापों के बीच में चमकता है, पाप ने उसको ग्रहण नहीं किया। आप और हमारा मन मर्जी के अनुसार किए हुए पापों के लिए, ना जाने जाने ना जाने में जो किया हुआ हर पापों के लिए आप और हम क्रूस पर मार डालने थे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसा प्रेम किया कि आपके ऊपर दया पाकर, आपके ऊपर प्रेम रखकर, अपने ऊपर सब पापों का जो बलिदान क्रूस पर खुद बलिदान हुआ, बलिदान होकर के आपको हमें बहुमूल्य लघु से आपको हमें खरीद लिया। प्रिय भाई हो, इस बात को सुन रहे हो, तुम्हारे नहीं हो तो परमेश्वर के खरीदा हुआ व्यक्ति हो, आपकी बहुमूल्य कौन से खरीदा है। आप इस बात को सुनकर अपना जिंदगी के अंदर आप अपने जिंदगी को मुड़ लेंगे, परमेश्वर को दिल में पायल पाने के लिए आप दिल खोलेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर आ जाएगा, ज्योति की परमेश्वर आपके अंदर आकर के आपको जगत की ज्योति बना देगा, पृथ्वी की नमक बना देगा। और एक अंत में एक मिसाल, मत्ती सुसमाचार 12वां अध्याय का 33वां वचन हम पढ़ेंगे तो वो क्या लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। बस तुम अच्छी पेड़ हो, वहां पर परमेश्वर कहता है तुम अच्छी पेड़ हो, अच्छी पेड़ अच्छी फल पलाएगी। फल अपने परमेश्वर की वचन को हम ध्यान करें तो उसमें लिखा है फल का मतलब है अपने स्वभाव हटकर परमेश्वर ने दिए हुए जो डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं वो हमारे अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि परम पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमारे अंदर होना चाहिए। वो फल के कारण का मतलब ये है, तो अपना अपना स्वभाव पूरा परमेश्वर को ग्रहण करने पर अपना स्वभाव क्रूस पर मार दिया जाता है ताकि परमेश्वर की गुण नव जो बोलते हैं वो आत्मा की जो फल बोलते हैं वो आत्मा का फल हमारे अंदर आ जाता है। इसमें लिखा है तुम अच्छी पेड़ हो,
अच्छी फल देने वाला पेड़, अच्छी पेड़ हो। परमेश्वर आपको, हमें पेड़ के समान उदाहरण दिया जाता है। क्यों? अच्छी पेड़ कभी कौन बन सकता है? परमेश्वर की जो मेरी सुने। परमेश्वर का वजन निधि वजन 1:33 पढ़े तो, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडार बसा रहेगा, वो बेकट कर सुख से जिएगा। वजन संहिता 128 की 1 हम पढ़े तो उसमें क्या कर दिया है, जो यहोवा पर भय मानता है और उसकी मार्ग पर चलता है वो धन्य है, वो सियोन की आशीष पाएगा और यरूशलेम की कुशल पाएगा। और वजन संहिता 125 की 1 हमने पढ़ा था, उसमें क्या है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत के समान रहेगा। कुछ भी आ जाए आपके जीवन के अंदर, कुछ भी आंधी तूफान जो भी आ जाए, हिलेगा नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो, जो टलता नहीं, सदा बना रहेगा। इतनी आशीषें आपको पाना है तो परमेश्वर की वचन को सुनना होगा, परमेश्वर से भय मानना होगा, परमेश्वर से भरोसा रखना होगा। रखने पर आप इस पृथ्वी की नमक बन सकते हो, जगत की ज्योति बन सकते हो, तो अच्छी पेड़ बन सकते हो। पृथ्वी की नमक स्वाद देता है, किसी को खराब होने नहीं देता है, वो स्वाद आपके अंदर आ जाएगा। ज्योति रोशनी देती है, अंधेरे को हटा देती है, आप ज्योति बन जाएंगे। और अच्छी फल फलने वाला अच्छी पेड़ बन जाए, तुम अच्छी पेड़ हो, परमेश्वर बोलता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये वजन आपके दिल के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव को जरूर लाएगा, क्योंकि ये वजन के अंदर जीवन है, ये वजन के अंदर मरियों को जी उठाने वाला ताकत है, वो सामर्थ है, वो सामर्थ आपके दिल के अंदर, अभी सामर्थ वजन बात किया है, वो सामर्थ आपके दिल को बदलेगा। अभी आप जिस जगह में हैं वहां पर हांग बंद के मेरे साथ प्रार्थना करें, तब परमेश्वर आपके दिल के अंदर आ जाएगा। आपने सुना है, आपने भय मानना होगा और इस परमेश्वर को भरोसा रखेंगे, तब आप भी अभी इस वक्त पृथ्वी की नमक, जगत की ज्योति, अच्छी पेड़ बन सकते हो। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम के आदर हो, हमेशा हमेशा जय जयकार हो। जीवित परमेश्वर, मरे हुओं को जी उठाने वाला, जो है नहीं है उसको है करके भुलाने वाला, तेरे नाम की स्तुति महिमा करते हैं। जो भी व्यक्ति, प्रिय भाइयों बहनों, जो भी है बुजुर्ग है, हर एक व्यक्ति इस समय आंख बंद करके मेरे साथ जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब आप जान रहे प्रभु, सबके दिल के अंदर, ओ यीशु मसीह, तेरी मैं सुनूंगा, तेरी भय मानूंगा, तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा, मुझे भी अपने पापों से मुझे उद्धार कर दे प्रभु, तब जाके मैं जगत की नमक बन जाऊं, पृथ्वी की नमक बन जाऊं, जगत की ज्योति बन जाऊं, अच्छी पेड़ बन जाऊंगा। हमारा प्रार्थना सुनर ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम सब मिलकर बोले, ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके नाम की धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और उसकी किसी भी उपहार को ना भूलना। प्रभु ये के अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम और आप सबके साथ हमेशा होते रहे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।